ओके बेटा, अब इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फार्म कंट्रोल्स। हमारे पास फार्म कंट्रोल्स का काम क्या होता है, हम किस लिए यूज करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना देते हैं, इसका नाम कर देते हैं फार्म कंट्रोल्स, जैसे आप जो चाहें दे सकते हैं, .html। इसके अंदर सबसे पहले बेसिक हमारा HTML का जो फॉर्मेट है वो दे देंगे और उसके बाद हम यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या देना होता है, इसके अंदर हमारे पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं फॉर्म। फॉर्म देते हैं और फॉर्म को क्लोज भी कर देते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? अब इसी फॉर्म के अंदर हमने अभी क्या देना होता है, एक होती है फील्ड सेट, क्या कहते हैं, फील्ड सेट, और इसी के अंदर एक होता है लेजेंड। सही है, जैसे आप लोग लेजेंड है, राइट? ओके, अब इसको आपने लेजेंड एक्चुअल में टाइटल कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइटल। तो मैं यहां पे आगे लिख देता हूं टाइटल ऑफ फॉर्म। इसी के अंदर लेजेंड के बाद फील्ड सेट होती है बेटा एक स्पेसिफिक एरिया। चले मैं दिखा देता हूं ये किस तरह से शो होती है। ये देखें, ये जो लाइन शो हो रही है ना, इसको फील्ड सेट कहा जाता है, शो हो रही है। और ये जो आपको टाइटल शो रहा है, ये लेजेंड के अंदर आपने जो दिया, कौन सा क्लियर है? इसको आप अलाइन कर सकते हो मिडिल में, राइट में, अभी तो ये लेफ्ट में है ना। सही है, इसको अगर आप मिडिल में भी करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। यहीं पे आके इसको कर दें अलाइन। अलाइन कहां करना है इसको? सेंटर। अच्छा, ये मुझे लगता है यहां नहीं, फील्ड सेट में नहीं, क्योंकि हमें लेजेंड में देना है। कहां देना है? लेजेंड में। अलाइन सेंटर, देखें सेंटर हो चुका। आपने पढ़े ना लॉग इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, होते हैं ना ऐसे फॉर्म, ऊपर लिखा होता है टाइटल के अंदर, इसी तरह शो हो रहा होता है ना। वेब पेजेस देखे कुछ, लॉग इन पेज के, साइन अप पेज के, पढ़े हैं, राइट? इसी तरह हम चीजों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब बेटा यहां पे आके हमारे पास एक होता है लेबल। वैसे डायरेक्ट भी टेक्स्ट लिख सकते हो, हम यहां पे लिखते हैं लेबल। और लेबल के अंदर मैं क्या देने वाला हूं, टेक्स्ट के लिए लेबल का टैग होता है। किसके लिए? टेक्स्ट के लिए होता है ना, एंटर योर नेम, ऐसे आप एक लेबल लिखते हो। उसके बाद आप क्या देते हो आगे? इनपुट टाइप दे देते हैं। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी मुझे एक इनपुट बनाना है और उसके अंदर मैं किस तरह का इनपुट लूंगा, टेक्स्ट के जैसा, यानी जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड करेंगे आप। और उसका आप नाम चाहें तो नाम भी दे सकते हैं और आप चाहें तो आईडी भी दे सकते हैं। अब ये नाम और आईडी इन फ्यूचर जब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम करेंगे तो तब आपका ये, या सीएसएस के थ्रू जब हम काम करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्यों देते। कौन सा क्लियर है? आपको पता है ना, किसी इनपुट से वैल्यू लेनी हो या उस इनपुट पे वैल्यू दिखानी हो तो उसके लिए इन नाम और आईडीज का होना लाजमी है। जैसे अगर मैं आप में से किसी को बुलाता हूं तो नाम से बुलाऊंगा ना, या स्टूडेंट आईडी से बुलाऊंगा, ऐसे ही है। तो यहां पे इनपुट को अगर कोई वैल्यू देनी है या इनपुट से अगर कोई वैल्यू लेनी है तो या तो मैं नाम से बुलाऊंगा उसको या तो उसके आईडी से बुलाऊंगा। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? लेकिन अभी हमने सिर्फ डिजाइन करना है इसको, इसके ऊपर ना वैल्यू दिखानी है या वॉट एवर कोई चीजें, फंक्शनलिटी नहीं देनी। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, रिफ्रेश करते हैं, यहां पर देखेंगे क्या शो हो रहा है। एक लेबल जिसमें क्या लिखा है, एंटर यूअर नेम, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, एक इनपुट जिसमें हम क्या दे सकते हैं बेटा, टेक्स्ट दे सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक हिंट नजर आए। हिंट का मकसद एक प्लेस होल्डर। क्या बेटा? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मकसद यह है जिसके अंदर हम हिंट देते हैं यूजर को, एंटर नेम होता है ना, लिखा होता है, देखे शो हो रहा है इसके अंदर। जैसे आप लिखना शुरू करते हो वो हाइड हो जाता है, आपने देखा है ना, इसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्लेस होल्डर। ठीक है, इसी तरह यहां पे हमारे पास कुछ और भी चीजें होती हैं, लाइक एक हमारे पास होता है इनपुट टेक्स्ट के लिए और एक लेबल। अच्छा, मैं ब्रेक कर देता हूं इसको, न्यू लाइन पे लाता हूं, और न्यू लाइन पे लाने के बाद मैं कुछ और चीजें बनाने वाला हूं।
अगेन मैं एक लेबल एड करने जा रहा हूं। अच्छा, अब हमें सबसे पहले एक ओ लेबल देना है, लेबल के बाद आपने क्या देना है, एंटर योर एज। और उसके बाद एक और इनपुट बना लेंगे यहां पे। अच्छा, यहां पे इनपुट टेक्स्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, ये श्योर है, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। ये वीएस कोड के अंदर ऐसे लिख के एंटर करोगे तो ये पूरा आपका इनपुट ऐसे बना, कौन सा फिलियर हो गया। लेकिन अगर आपको इनपुट नंबर वाला चाहिए था तो आप क्या लिखेंगे, इनपुट कॉलन नंबर, कि इनपुट वाला टैग और उसके अंदर टाइप क्या रखोगे, नंबर। तो देखिए इनपुट टाइप क्या हो गया, नंबर। तो ये हिंटिंग होती है, कोड जल्दी से हो जाता है वीएस कोड के अंदर, राइट। इस तरह से आपने दे दिया, सेव करते हैं, यहां आते हैं और आउटपुट में देखते हैं तो हमारे पास क्या शो रहा है, एक नंबर वाला इनपुट शो रहा है, सही है। इसमें देखो हमारे पास राइट की तरफ क्या शो रहा है, यहां से आप नंबरिंग दे सकते हैं, कौन सा क्लियर है, ठीक है। कहीं पे आपने अगर अप्लाई किया हो तो वहां पे होता है ना एज या इस तरह की चीजें जो आपकी नंबरिंग में देनी होती है, तो उसके लिए वेबसाइट की डिजाइनिंग के अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं, इनपुट टाइप नंबर। अब अगर आप इसको मिनिमम और मैक्सिमम भी बताना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कि मिनिमम कहां से वैल्यू शुरू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको अगर अप्लाई करना है किसी जॉब के लिए तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी, 18, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 21। आर्मी में जा रहे क्या, 28 कर लेते हैं, राइट। कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो 18 से 28 तक की आपकी एज होनी चाहिए, सही है। तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 28, और मिनिमम 18। वैसे आपकी जिस तरह की नीड होगी उस तरह से आप इसको वैल्यूज प्रोवाइड कर दोगे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखें, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो कहां से बढ़ रही है, 18 से 28 तक, दैट्स इट, दो ही नंबर है, कौन से क्लियर हो रहा है सबका, कौन से क्लियर, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 28, या इन दोनों के बीच में जो भी आपको वैल्यू देनी हो दे दो, कौन सा क्लियर है बेटा, राइट। तो हम ये दो ही वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। चले जी, ये हो चुका। इसी तरह हमारे पास एक और टैग है जिसको हम कहते हैं, ये था इनपुट टाइप नंबर के लिए। फोन नंबर के लिए अलग से आप यूज कर सकते हैं, फोन नंबर होता है ना हमारे पास, देखो वेबसाइट पे फोन नंबर भी मांगते हैं, कहीं नंबर मांगते हैं, कहीं ईमेल मांगते हैं यूजर से, है ना। इसी तरह हमारे पास कहीं आप जो है वो डेट मांग रहे होते हैं यूजर से, कहीं आप टाइम मांग रहे होते हो, ऐसी चीजें होती है ना यूजर से, आप जो एज ए इनपुट ले रहे होते हैं। और हमने बहुत सारी वेबसाइट्स के डिजाइन में ये चीजें देखी है, टाइमर या आपके जो क्लॉक होते हैं, इन तरह की चीजों में तो यही इनपुट यूज हो रहे होते हैं ना। तो ये कैसे डिजाइन होते हैं, ऑलरेडी बने हुए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, HTML ने बना के दिए। इसी तरह मैं यहां पे आता हूं, यहां पे मुझे क्या चाहिए, इनपुट टाइप कौन सा, पहले तो लेबल लिखेंगे, यानी उसके सामने टेक्स्ट क्या शो होना चाहिए। लेबल के अंदर मैं लिख देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एंटर योर एज हो गया, एंटर योर फोन नंबर, सही है। और यहां पे आके मुझे क्या करना है बेटा, यहां पे आके अगेन इनपुट, अब यहां पे TEL टेल शो रहा है कि इनपुट चाहिए टेलीफोन वाला, एंटर करेंगे तो बेटा आपको देखें इनपुट टाइप टेल, और यहां पे आपको एक इनपुट मिल चुका, सही है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहां पे देखें एक टेलीफोन नंबर के लिए हमारे पास क्या है इनपुट, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, राइट। इसी तरह हमारे पास कुछ इनपुट होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा, सही है। फिर एक लेबल चेंज कर लेते हैं कि फोन नंबर के अलावा कौन सी चीजें दे सकते हैं हम, सही है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर डेट, डेट ऑफ बर्थ, तो DOB कर लेते हैं, सही है, DOB, लेवल थोड़ा छोटा हो जाएगा। इनपुट टाइप यहां पे क्या करेंगे, अब डेट, इनपुट टाइप एक है डेट, एक है डेट टाइम, और एक है डेट टाइम लोकल। अगर आप डेट टाइम लोकल पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखें क्या शो हो रहा है,
एक पूरा कैलेंडर मिल जाएगा आपको, श्योर है आपको? ये बिल्टिन है, आपने नहीं बनाया, एचटीएमएल वालों ने बना के दे दिया, जिससे आप टाइम भी दे सकते हैं, डेट भी एक साथ, कि कौन से डे पे किस टाइम पे आप पैदा हुए थे। सही है, आप चाहें तो किसी और पर्पस के लिए भी डेट मांग रहे होते हो ना, सही है, कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, है ना, या एडमिशन डेट क्या है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, एडमिशन के ही लेना है, अगर किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हो, वहां पर डेट नहीं होती, टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है ना, या आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, वहां पर टाइमिंग नहीं हो रही होती, कॉल आउट चल रहे होते हैं, तो ये सारे इनपुट एचटीएमएल के हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये हो चुका। इसी तरह हमारे पास अगर आपको क्या करना है, सिर्फ टाइम देना है, तो आप टाइम भी दे सकते हैं। मैं यहां पे आके कर देता हूं एंटर टाइम, और यहां पे अब आपको क्या देना है, सिर्फ इनपुट टाइप टाइम। टाइम के लिए भी हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो देखें सिर्फ टाइम मांग सकते हैं आप यूजर से। आ रहा है, सही है। इसी तरह हमारे पास टाइम के अलावा क्या है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंटर मंथ, देखिए मंथ के लिए अलग इनपुट है, सिर्फ मंथ देने के लिए, यहां देखिए मंथ आ रहे, जैन फेब्रुअरी सारी चीजें, उनसे क्लियर हो रहा है सबका, ठीक है। तो यहां से आके कोई भी मंथ से लेकर होगे तो ऑटोमेटिक वो मंथ विथ ईयर आ जाएगा, उनसे क्लियर बेटा? तो कहीं कहीं पे सिर्फ मंथ और आपका ईयर ही रिक्वायर होता है, डे की जरूरत नहीं होती। तो आप इस तरह से देख लेते हैं, वीक के लिए अवेलेबल है कोई चीज, वीक इनपुट टाइप, ये देखें वीक आ रहा है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको वीक भी यहां पे देखें प्रोवाइड कर सकते हैं, देखें आ रहा है, सात सात दिन होते हैं ना हर वीक में, पहला वीक, दूसरा वीक, इस तरह से, ये देखें मैं जैसे आवर कर रहा हूं, सात दिन सेलेक्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिक, दिख रहा है आपको, क्लिक करते हैं तो देखें वो ऑटोमेटिक बता रहा है वीक 18/2021, कौन से क्लियर? जैसे आपके कोर्सेज होते हैं वहां पे लिखा होता है ना कि 12 वीक्स का कोर्स है, जो है 4 वीक का कोर्स है ना, तो मंथ में, वीक्स में, डेज में, टाइमिंग जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये इनबिल्ट आपकी चीजें हैं, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वीएस कोड के अंदर एक होता है एक फॉर्मेट, समझ लें कि हमारे पास सेट करने के लिए, देखिए मैं जो ये कोडिंग कर रहा हूं आगे पीछे हो रही है ना, अगर मैं सिलेक्ट करता हूं ऑल, राइट क्लिक करके यहां पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आ रहा है, जैसे क्लिक करूंगा तो आपकी कोडिंग वैसी रहेगी, आपको चेंज करना है, रखे वैसे नहीं हो रहा, एंटर दिए हुए, एंटर के अलावा बाकी देखें इसने कोडिंग क्या कर ली, सेट कर ली, ब्रेक आगे पीछे था ना बेटा, मेरा कहने का मकसद ये था, अगर आपने इस तरह से कोड कर लिए हैं, है ना, होते हैं ना कभी कभार आप आगे पीछे कर लेते हैं ऐसे, तो सिलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करके क्या करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये सारी कोडिंग एक साथ सेट हो जाएगी, ये देखें कौन सा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आप कोडिंग करते हैं और आपकी ये चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, तो यू कैन मॉडिफाई और सेट देम, ठीक है जी। और उसके बाद ये हो चुका। अब इसके बाद हमारे पास है बेटा, कभी कभार हमें यूजर से कलर भी मांगना होता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट के थीम चेंज किए हैं, थीम नहीं चेंज किए, चलो चेंज कलर थीम, या कुछ फॉर्म नजर आते हैं ना जिसका एक कलर कभी ब्राउन होता है, कभी रेड होता है, कभी ब्लैक होता है, तो वहां पे क्लिक होता है कि क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं, है ना, तो वो कर सकते हैं। यहां पे आके इनपुट टाइप कलर भी है, यहां पे कौन सा क्लियर है, सेव करते हैं, यहां पे आएंगे देखिए क्लिक करेंगे तो कलर शो रहा है, ये भी एचटीएमएल का बना, और देखो कितनी एक लाइन तो लिख रहे हैं कोड की हम, इनपुट टाइप कलर, दैट्स इट, उसकी वजह से ये बिल्ट इन चीज मिल रही है जहां से अपने मर्जी का कलर चूज करके। अब जब आप जावा से भी इस तरह की फंक्शनलिटी पढ़ेंगे ना,
तो ऑटोमेटिक आप बैकग्राउंड्स वगैरह इसी पे चेंज कर रहे होते। यूजर जो भी कलर देगा इस इनपुट से लेके वो अप्लाई कर देंगे किसी डिव पे, किसी बॉडी पे, किसी आपके समझ लें फॉर्म के ऊपर, सारी चीजें पॉसिबल। कौन से क्लियर है यहां तक? इसी तरह हमारे पास एक चीज होती है इनपुट पासवर्ड और ईमेल। तो मैं यहां पे करता हूं इंटर योर ईमेल। सबसे पहले ईमेल को चेक कर लेते हैं, इंटर योर ईमेल, और यहां पे इनपुट टाइप क्या होगा? ईमेल। ईमेल के लिए अलग से इनपुट दिया है लोगों ने, टेक्स्ट के लिए अलग, नंबर्स के लिए अलग, पासवर्ड के लिए अलग, और इसका प्लेस होल्डर भी शो करना है तो वो भी कर सकते हैं कि आप इसको कहें इंटर ईमेल। सेव करते हैं, आते हैं, देखिए शो रहा है इंटर ईमेल। कौन सा क्लियर है? अच्छा, अब ये कैसे पता चले कि ईमेल मांग रहा है या नहीं? तो एक बटन में यहां बनाऊंगा, बटन की टाइप में क्या दूंगा? सबमिट, और यहां पे इसको कवर कर देते हैं। बटन का नाम आप यहां पे दे सकते हो, एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, उस वैल्यू के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो बटन का क्या होगा? नाम होगा। मैं लिख देता हूं लॉग इन, बटन टाइप सबमिट, यानी बटन की टाइप क्या होगी? सबमिट, क्योंकि बटन जो हम बनाते हैं कभी आप सिर्फ बटन यूज कर रहे थे, टाइप बटन, कभी सबमिट, सही है। और अभी मैंने क्या दिया उसकी वैल्यू? लॉग इन। इसका मकसद क्या हुआ? अगर आप ये वैल्यू यहां पे ना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टैग हमारा यहां पे, दोनों टैग्स के बीच में आप क्या लिखेंगे? लॉग इन लिखेंगे, तो ये बटन का नाम हो जाए। आउटपुट देख लो, अंदाजा हो जाए, ये शो हो रहा है, एक बटन शो हो रहा है लॉग इन का, सही है। अब इसमें मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं यहां पे आके इसको करता हूं इनपुट टाइप बटन, सेव करते हैं, यहां आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक कर रहे हैं। अच्छा जी, रुक जाए, इस ईमेल वाले इनपुट को अगर मैं टॉप पे रखूं तो क्या होता? फॉर्म बनाया हमने, फील्ड सेट और ये सारी चीजें, ईमेल वाली चीजें ऊपर है। मैं ब्रेक कर देता हूं इसको, सही है। अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, नथिंग हैपेंस, वजह क्या है जी? फॉर्म, और इसके अंदर मैं एक्शन दे देता हूं, भले आप कहीं पे भी ना जाए। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करके क्लिक करते हैं, नथिंग हैपेंस। अच्छा, अब देखिए बटन के बेटा दो टाइप है, एक बटन ये था जो हमने बनाया, एक बटन है हमारा कौन सा, मैं बताता हूं। बटन इस तरह से भी बन सकता है कि बटन का टैग ओपन किया और क्लोज किया, उसके बीच में बता दिया कि इसकी टाइप क्या है। दूसरा तरीका है इनपुट सबमिट, तो ये इस तरह से बटन भी बनता है, इनपुट टाइप सबमिट, उसकी वैल्यू यानी बटन का नाम, सही है। मैं इसका नाम रख देता हूं लॉगिन, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, अगेन नथिंग, ओके okay, अच्छा गलती ये कर रहे हैं हम कि हमें यहां पे क्या देना है? वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो यहां पे अगर मैं अली और क्या लिख देता हूं, एबीसी व्हाटएवर, तो आपने ईमेल का फॉर्मेट सही से नहीं दिया। अब अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें क्या बता रहा है, एक पॉपअप आ रहा है कि आपको @ और .com वगैरह की चीजें देना लाजमी है। तो अब अगर आप ईमेल का फॉर्मेट गलत देंगे तो आपको ये क्या कर देगा? पॉइंट आउट करेगा कि आपने ये चीजें सही से नहीं दी। अगर आप सही से देंगे तो आपको ये कोई एरर नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और कोई इनपुट अगर खाली हो और आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आप उस खाली इनपुट को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि उसमें वैल्यू देना लाजमी है, आप खाली सबमिट नहीं कर सकते। तो जिस भी इनपुट में आपको वैल्यू लाजमी चाहिए वहां पर जाके लिख दो क्या? रिक्वायर्ड। क्या लिख दो? सिर्फ लिखो रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर रिक्वायर्ड, दोनों एक ही बात। कौन सा क्लियर हो गया? सेव किया, यहां आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं देखें बटन को क्लिक करो और मैंने कोई भी चीज नहीं लिखी तो आपको ये कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसका मकसद इस इनपुट को आप खाली नहीं छोड़ सकते, यू मस्ट हैव टू फिल दिस। कौन सा क्लियर है बेटा? ये चीजें भी किससे पॉसिबल है? HTML से।
अच्छा इसी तरह बेटा यहां पे आते हैं, अगर आपको पासवर्ड देना है तो मैं इसी के नीचे एक और पासवर्ड के लिए फील्ड बना देता हूं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी दिस, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। इसको कहते हैं इनपुट या एंटर योर पासवर्ड। और अब इसकी टाइप क्या रखेंगे, पासवर्ड। पासवर्ड का भी एक इनपुट अलग से दिया हुआ है, सही है। जैसे आप लिखना शुरू करते हैं तो डॉट आ जाते हैं ना, ये आपकी इसी वजह से है। प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिखेंगे, एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड से दिस, और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा नई लाइन पे शो करना है तो यू हैव टू ब्रेक दिस, से दिस, रिफ्रेश, वेरी गुड। अब देखिए यहां पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, देखिए डॉट्स में आ रहा है, आपको टेक्स्ट शो नहीं हो, कौन सा क्लियर है बेटा। तो इनपुट टाइप पासवर्ड हमारे पास किस लिए काम आता है, पासवर्ड देने के लिए काम आता है। इसी तरह हमारे पास कुछ होते हैं रेडियो बटन्स और कुछ होते हैं चेक बॉक्सेस। अब मैं बताने वाला हूं ये चीजें किस लिए यूज करते हैं। देखें हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम, अच्छा ये चीज मैं थोड़ी बता दूं बेटा, बटन के जो दो टाइप आपने पढ़े, एक इनपुट टाइप सबमिट था और दूसरा था इनपुट टाइप बटन। बटन और सबमिट में डिफरेंस है, जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं इनपुट टाइप सबमिट पे काम करती है। किस पे काम करती है, लाइक पीएचपी या जेएसपी वगैरह पे काम करूंगा तो इनपुट टाइप सबमिट देना लाजमी है। देखो आपकी बैकएंड एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, बैकएंड की टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, डिजाइन तो आप कर रहे होते हो ना खुद से। मेरा कहने का मकसद ये है, देखें ये जो HTML के थ्रू आप डिजाइन बना रहे हैं ना, इस पे जावास्क्रिप्ट भी काम कर सकती है, इस पे PHP भी काम कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ खाली डिजाइन होगा, इसकी डेवलपमेंट हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे। कौन सा क्लियर हो रहा है बेटा, यानी इंजन बनेगी, इंजन को फंक्शनल बनाने के लिए और लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी हमें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाली डिजाइन कर रहे हैं ना, इसी डिजाइन को अगर आपको फंक्शनल बनाना पड़ेगा तो यू हैव टू, यू कैन से वर्क विद अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो PHP होगी या जावास्क्रिप्ट हो गई, रूबी हो गई, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस। कौन सा क्लियर है बेटा, राइट। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए इनपुट टाइप सबमिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। और मेजॉरिटी जो आपकी समझ लाइक जावास्क्रिप्ट है या खुद HTML या CSS है, इनपुट टाइप बटन पे भी काम कर लेती है। उनसे क्लियर हो गया, सही है। इसे लाजमी नहीं है जावास्क्रिप्ट बटन या सबमिट दोनों पे भी काम कर लेती है, लेकिन मेजोरिटी हम इनपुट टाइप बटन यूज कर रहे हैं, सही है। अच्छा जी ये हो चुका। उसके बाद बेटा हमारे पास, हम अभी जो है वो चीज पढ़ने वाले थे कि हम जैसे यूजर से जेंडर वगैरह मांग रहे होते हैं ना, होता है ना जेंडर, ये ट्रू फॉल्स हमारे पास होते हैं ना ऑप्शंस, कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं यहां पे आके अगर लिखता हूं, ठीक है, मैं करता हूं लेबल, इसके अंदर लिख देता हूं चूज ट्रू और फॉल्स, लेबल को क्लोज कर देते हैं। बेटा यहां पे होता है एक इनपुट टाइप रेडियो, क्या इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो भी एक इनपुट टाइप है, सही है। इसी को मैं कवर कर देता हूं। अब देखें इसका जो नाम शो होता है ना, नाम रेडियो के सामने, तो इनपुट लिखने के बाद यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं ट्रू। इसी तरह इनपुट टाइप एक दूसरा बनाना पड़ेगा जिसका हमें नाम क्या देना पड़ेगा, इनपुट टाइप रेडियो, और इसका मैं यहां पे कर देता हूं फॉल्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहां पे देखिए क्या शो हो रहा है, ट्रू और फॉल्स, लेकिन ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे होता नहीं है, ऐसे ही है ना, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। या आपने जब जेंडर वगैरह चूज करवाना होता है तो एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप कोई टिक लगाते हैं MCQs वगैरह होते हैं ना, मैं जो आपके टेस्ट वगैरह देते हो उसमें चार ऑप्शन होते हैं, आप एक सिलेक्ट करते हो, कहीं कहीं पे मल्टी सिलेक्शन होती है, कहीं कहीं पे सिंगल सिलेक्शन होती है। तो जहां सिंगल सिलेक्शन होती है उसके लिए रेडियो बटन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं रेडियो बटन, लेकिन इन दो या चार बटन हो तो उनमें से सिर्फ एक ही चेक होगा, दोनों या तीनों चेक नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इनपुट्स के अंदर उनका नाम सेम रखना पड़ेगा,
एक प्रॉपर्टी थी ना नेम, नेम की प्रॉपर्टी या नेम का एक एट्रीब्यूट यहां दोगे और इसका आप संभाले मैं कर देता हूं जो है वो चूज इज अ नेम है, या मैं कर देता हूं एबीसी। एबीसी इस रेड बटन का भी नाम है, इसका भी नाम क्या होगा एबीसी। जब नाम एक जैसे होंगे ना तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। एक सिलेक्ट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसलेक्ट हो जाएगा। कौन से क्लियर है बेटा? तो रेडियो बटन्स के अंदर हमारी एक ही सिलेक्शन होती है, एक से ज्यादा सिलेक्शन नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं इस तरह से काम करें तो जितने भी बटन आए या रेडियो बटन आप यूज करोगे उनके नाम सिमिलर रखने पड़ेंगे। कौन सा क्लियर हो गया? इसी तरह हमारे पास होती है कुछ चेकबॉक्स की चीजें जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो मैं यहां पे आके एक लेबल यूज करता हूं, हॉबीज वगैरह होती है, हॉबीज देते हैं ना जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन होती है, या कोर्सेज सिलेक्ट करते हो आप, होता है ना कोर्सेज कहीं पे सिलेक्ट करते हो तो आप एक से ज्यादा कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, होता है ना। सही है कि मुझे ऑफिस भी पढ़ना है, वर्ड भी पढ़ना है, व्हाटएवर जो भी आपके सब्जेक्ट है, HTML, CSS, JavaScript, PHP, है ना। तो इसी तरह से आप क्या, जैसे अप्लाई नहीं करते आप यूनिवर्सिटीज के अंदर, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं ना, तो वहां पे कौन से वाले बटन शो होते हैं जो स्क्वायर टाइप के होते हैं, ऐसे है ना, उनको चेक बॉक्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेक बॉक्सेस। तो ऑनलाइन अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स देना पड़ेगा। अच्छा अब मैं यहां पे आता हूं, एक चीज यहां पे आपको पहले लिखना है इसका लेबल के समझ ले चूज योर हॉबी। अभी मैं हॉबीज के लिए बना रहा हूं, आप कल को जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर होगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, क्या होगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, उसके बाद आप इसको कवर करेंगे। अब इसकी पहली जो है आप हॉबी लिखना चाहते हैं क्रिकेट, सही है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा और बाकी जो है वो बना देता क्रिकेट के बाद, फॉर एग्जाम्पल हॉकी, उसके बाद लूडो, उसके अलावा कोई ऐसी गेम, स्पेलिंग तो आनी चाहिए मुझे, फुटबॉल, ओके वॉलीबॉल की स्पेलिंग कॉम्प्लेक्स है। अच्छा अब देखें कुछ हॉबीज के लिए आपको शो हो रहे हैं चीजें, आप यहां से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। पॉसिबल है कि आप चारों गेम खेलते हो, पॉसिबल है दो खेलते हैं, है ना। तो आप मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, चेक बॉक्स यूज करते हैं, सही है। अब आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट कोई चीज चेक होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट कोई चीज चेक होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, यहां पे आके इस पे आप लगा देते हो चेक इट। क्या लगा देते हैं? चेक इट। तो ये क्रिकेट बाय डिफॉल्ट देंगे चेक होगी। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर बटन्स में भी चाहते हो ना कोई चीज सिलेक्टेड होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो यहां पे लिख दोगे क्या, यहां पे भी चेक इट, तो ये ट्रू वाला ऑटोमेटिक आपको चेक नजर आएगा। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक होता है जैसे कंट्रीज वगैरह सिलेक्ट नहीं करते हम, मल्टीपल कंट्रीज की लिस्ट होती है क्लिक करते हैं, जैसे एक्सेल में नहीं पड़ा था लिस्ट, हाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसी तरह यहां पे भी आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है। उसको कवर कर लेते हैं कि मैं कहता हूं भाई लेबल होगा, एक लेबल कहते हैं सिलेक्ट योर कंट्री, और कंट्री के अंदर हम यहां पे क्या करने वाले हैं जी, सबसे पहले एक होता है टैग जिसको कहते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद इसी टैग के अंदर एक और टैग होता है जिसको कहते हैं ऑप्शन। क्या होता है बेटा? ऑप्शन। ऑप्शन टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। अब वैल्यू को अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ ऑप्शन लिखो और मैं पहला कंट्री क्या देता हूं, कंट्री नहीं देता मैं इसको, बाय डिफॉल्ट देता हूं सिलेक्ट योर कंट्री, या सिटी भी होता है, सिटीज के लिए भी सिलेक्शन करवा सकते हो। इसी तरह इसी ऑप्शन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम, देखें सिलेक्ट बेटा एक टैग है, उसी के अंदर एक दूसरा टैग क्या है ऑप्शन, उसके अंदर आप अपने कंट्रीज के सिटीज के जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं कह देता हूं पाक, पाक के अलावा जी हमारे पास है इंडिया,
उसके अलावा है बेटा हमारे पास यूएसए, प्योर कंट्री जिसका नाम छोटा हो, ऑस्ट्रेलिया, है वी गो। अच्छा अब देखिए यहां पे एक लिस्ट शो हो रही है बेटा, क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट आपके शो हो रहे हैं आइटम। अब इनमें से आप कोई भी चाहे तो सिलेक्ट कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज सिलेक्ट होनी चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां पे आके सिलेक्टेड, वेरी गुड, यहां पे आके क्या दे देंगे, सिलेक्टेड या सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सिलेक्टेड है बेटा इंडिया। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंट्री जिसको आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जब वेब पेज ऑन करें तो सिलेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टेड को लिखना लाजमी है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, सही है। तो आई होप आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं। वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, चेक बॉक्सेस या बटन्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। और अभी के लिए कंट्रोल जो मैंने पढ़ाया है ये है, बाकी और भी हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।